मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकल गया है। ये 2050 पोस्ट है, लास्ट डेट 14 तारीख है। आप 14 तारीख से फॉर्म को भर लें, ठीक है, 14 तारीख से पहले। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में, ढेर सारी वैकेंसीज है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए चलते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही टॉप पर आपको नर्सिंग की वैकेंसी दी हुई है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसका नोटिफिकेशन आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पूरी रीडिंग यहीं से कर लेना है। फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, नोटिफिकेशन, सभी चीजें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं और नई नई वैकेंसियों के बारे में जानकारी कर सकते हैं, कोई भी वैकेंसीज हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, नई नई वैकेंसियों के बारे में पोस्ट करते रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आइए देख ले, चलिए वीडियो पे आते हैं। तो इस पोस्ट के बारे में देख लीजिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा। फॉर्म 28/9/2024 से भर सकते हैं, लास्ट डेट शाम को 5 बजे 14/10/2024 तक ही भर पाएंगे। कोई गलती हो जाती है तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 16/10/2024 से लेके 17/10/2024 के बीच में आप फॉर्म को भर पाएंगे। एग्जामिनेशन डेट 17 नवंबर 2024 है, सीबीटी मोड एग्जाम होगा। ढेर सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके नेम ऑफ पोस्ट है, पोस्ट कोड है, डिपार्टमेंट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 1576 पोस्ट है। देन तेलंगाना से अगर आप देखेंगे, विद्या विधान परिषद से 332 पोस्ट है। आयुष डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 61 पोस्ट है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन से एक पोस्ट है। MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्टोलॉजी रीजनल कैंसर सेंटर में जाएंगे तो 180 पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी जो है आप देखेंगे तो 2050 पोस्ट है। आपका जो पे स्केल होगा 36,700 से लेके 1,06,990 होने वाला है। सैलरी बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होगा, उसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो होगा, एक्सपीरियंस आपका 20% मार्क्स देगा, बाकी आपका 80% मार्क्स आपके एग्जामिनेशन पर निर्भर करेगा। ये भी ध्यान रखिए, ये पूरा रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। फॉर्म भरने से पहले, बिफोर देखिए अप्लाइंग, फॉर्म भरने से पहले आपको आधार कार्ड रख लेना है, हाई स्कूल की मार्कशीट रखना है, जेएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे, आप फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म को भरने के लिए क्या है, आपका सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अदर स्टेट वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं वो भी, लेकिन बाद में क्या करना है, आपको जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से आपको वहाँ पर ट्रांसफर करा लेना होगा। ये सारी छोटी छोटी जानकारी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए और स्क्रॉल करते चलिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्या है, नर्सिंग ऑफिसर में जेएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में देखिए एज क्या होने वाला है, अगर एज देखेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम, देखिए 18 ईयर आपका कम से कम यानी कि मिनिमम, और मैक्सिमम एज 46 वर्ष होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो है डेट 1/7/2024, ठीक, 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 18 और मैक्सिमम 46 वर्ष के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूँ तो जनरल वाले कैटेगरी कोई छूट नहीं, एससी एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी वाले को 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और अदर भी ढेर सारे हैंडीकैप वगैरह हैं जिसे 10-10 साल की छूट मिलेगी। फीस की बात कर लेता हूँ तो जनरल ओबीसी वालों को ₹500 की फीस देना पड़ेगा और एससी एसटी वालों को कैटेगरी वाइज ₹200 की फीस देनी पड़ेगी। फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ये सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। 29 तारीख सबसे पहले, सबसे ऊपर में ले चल के आपको दिखा देता हूँ, फॉर्म भरा जाएगा 28/9/2024 से। इससे पहले फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो अभी आप तैयारी कर लें, हम आपको 1 बाय 1 जैसे ही 29 तारीख को क्लियर होगा हम आपको बता देंगे। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर देखिए, रिटर्न एग्जाम आपको 17/11/2024 से होने वाला है, 17/11/2024 को होने वाला है, ठीक। इसके बाद आप देखिए और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेता हूँ तो
यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भी आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर को भर लीजिएगा। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप इस पीडीएफ के माध्यम से, इस पीडीएफ को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यदि कुछ नहीं समझ में आता रीड करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपने आपने क्या करना है, मैंने पहले बताया कि आपको हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, या व्हाट्सएप पर कहीं पर भी आप क्वेरी करते हैं। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल है प्रयागराज रिजल्ट, यहाँ पर ढेर सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। साथ में प्रयागराज अध्ययन दो चैनल है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोई अलग से जानकारी जैसे कुछ छूट रही होगी तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दूंगा। कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर जोन के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो जोन होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आप नर्सिंग जो है वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेल्थ सेंटर वगैरह तो भी वो भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। फॉर्म को अगर यदि ये फॉर्म को भरना है तो आप 29 तारीख से पहले नहीं भर पाएंगे, 29 तारीख के बाद जैसे ही होगा मैं आपको फॉर्म भरवाने का जो है इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गया कि चीज़ें क्लियर है। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।